लेट अस टेक अ वेरी प्रैक्टिकल नॉर्मल एग्जाम्पल. आपके घर के पास एक स्टेशनरी शॉप है, ठीक है, काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पर, स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पर, काफ़ी लोग भी आते हैं यहाँ पर, कोई पेन खरीदता है, कोई रजिस्टर खरीदता है, बहुत अलग अलग चीज़ें खरीदते हैं. कभी आप 100 रुपये की चीज़ खरीदते हैं, कभी आप 150 रुपीज़ की, 180 रुपीज़ की, इस तरीके से चीज़ें खरीदते हैं और काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है. यानी कि इन स्टेशनरी शॉप की टर्नओवर तो काफ़ी ज़्यादा है, बट लोग छोटी छोटी चीज़ें खरीदते हैं. कभी कभी लोग आते हैं जो लोग ज़्यादा अमाउंट की भी चीज़ें खरीदते होंगे, बट जनरली लोग 50, 60, 80, 100, 120, 180, 190 ऐसी चीज़ें खरीदते हैं. तो प्लीज़ बताइए, स्टेशनरी शॉप इज़ रजिस्टर्ड, उसका GSTIN नंबर है, वो रजिस्टर्ड है, ठीक है, बट रजिस्टर्ड है, सप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हर एक को टैक्स इनवॉइस इशू करें? सर, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. अगर 10 मिनट में देखते हैं तो उसके पास 10 कस्टमर्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें खरीद रहे हैं, तो क्या हम सबको इन्वॉइस दें? सर, वो अनरजिस्टर्ड है, तो क्या इन्वॉइस दे दें उनको? अनरजिस्टर्ड को क्या इन्वॉइस नहीं देते? सर, जनरली देते हैं, उनका GSTIN नंबर ही तो नहीं लिखते ना, इन्वॉइस तो हम इशू करेंगे. बट फिर भी अगर हम एक इन्वॉइस इशू करने लग गए इन सब लोगों को, तो प्रैक्टिकली थोड़ा सा अजीब लगेगा, और स्टेशनरी में एक या दो स्टाफ होते हैं, उनको मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा. तो यहाँ पर GST लॉ ने इन लोगों को एक बहुत अच्छी रिलैक्सेशन दी है, प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे एक रिलैक्सेशन मिली है. इन्होंने कहा है कि जो भी लोग जिनको बिल की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, कौन लोग होते हैं ये? सर, अनरजिस्टर्ड लोग, ठीक है. रजिस्टर्ड वाले को तो हमेशा बिल की ज़रूरत होती है, रजिस्टर्ड वाले को तो ITC लेना है, ठीक है. रजिस्टर्ड वाला कोई छोटी अमाउंट की चीज़ खरीदता है, बड़ी अमाउंट की चीज़ें खरीदता है, इफ़ दिस पर्सन इज़ अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो उनको तो ITC चाहिए. बट जो लोग अनरजिस्टर्ड हैं, ठीक है, अनरजिस्टर्ड है, उनको ज़्यादा बिल की ज़रूरत नहीं होती. तो GST लॉ ने कहा है कि अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हैं, कुल मिला के आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को अपनी स्टेशनरी का सामान दे रहे हैं, ठीक है, और उसकी वैल्यू 200 रुपीज़ से ज़्यादा की नहीं है, इट इज़ लेस देन 200 रुपीज़, लेस देन 200 एंड लेस नहीं बोला मैंने, लेस देन यानी कि 199.9 रुपीज़ तक, ओके, इज लेस देन 200, और अनरजिस्टर्ड रिसीवर आपसे बिल भी नहीं मांगता, आपसे बिल भी नहीं मांगता है, तो आप उनको बिल इशू ना करें. सो देयर आर केसेस व्हेन इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस इज रिलैक्स्ड, जहां पर एग्जेम्पशन दे दी गई है, ठीक है, एग्जेम्प्ट कर दिया है कि आप हर एक किसी व्यक्ति को टैक्स इनवॉइस इशू ना करें. किसको? 3 कंडीशन है. फर्स्ट कंडीशन, आपका रिसीवर अनरजिस्टर्ड हो, ठीक है, रिसीवर अनरजिस्टर्ड हो. रजिस्टर्ड वाला तो चाहे जितने का भी अमाउंट का सामान खरीदे, 200 रुपये से कम या 200 रुपये से ज़्यादा, उसको तो ITC चाहिए, उसको तो आप पक्का टैक्स इनवॉइस दीजिए. बट जो लोग आपके अनरजिस्टर्ड हैं, और नॉर्मल समझिए बेटा, रिटेल मार्केट में, रिटेल शॉप में तो सब लोग अनरजिस्टर्ड ही आते हैं ना मैक्सिमम, तो इनको बोला गया कि अगर फर्स्ट कंडीशन आपका रिसीवर अनरजिस्टर्ड है, वैल्यू ऑफ सप्लाई जो आप कर रहे हो इट इज़ लेस देन 200 रुपीज़, तीसरा वो कोई बिल की डिमांड नहीं कर रहा है, वो कोई बिल की डिमांड नहीं कर रहा है, इस केस में आप उसको इनवॉइस इशू ना करें, ठीक है. सिर्फ अपने नोटबुक में नोट करते रहना कि आपने कितनी कितनी सप्लाई की है, क्योंकि एंड ऑफ द डे ऐसे जितनी भी आपने सप्लाई करी है उसके लिए एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस बनाना पड़ेगा आपको, एक कंसोलिडेटेड. बेटा ये थोड़ा डिफरेंट है, हमने इससे पहले बातें करी थी कंसोलिडेटेड रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस के बारे में, हमने बातें की थी कंसोलिडेटेड रिवाइज, वो हमने रिवाइज करा था, स्टेट वाइज अनरजिस्टर्ड को कंसोलिडेट दिया था. यहां पर क्या होता है, यहां पर हम, मैं सिर्फ नाम ले रहा हूं, कंसोलिडेटेड इनवॉइस, मतलब जो भी हमारी जो छोटी छोटी सप्लाई होती हैं लेस देन 200 रुपीज इन वैल्यू टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, एंड इफ दैट अनरजिस्टर्ड पर्सन इज नॉट डिमांडिंग बिल, उसको बिल नहीं चाहिए, उसको बिल नहीं चाहिए, तो इस केस में भी आप इनवॉइस इशू ना करें. बट एंड ऑफ द डे जब आप अपनी ये दुकान को बंद करेंगे शाम को, उस समय एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस बनाकर रख लीजिए. सर, वो कंसोलिडेटेड इनवॉइस किसको दें, जो आखिरी में कस्टमर है? नहीं बेटा, देना किसी को नहीं है, आपको बनाकर रखना है, ठीक है. तो इस केस में हम लोगों को कोई इनवॉइस नहीं देना होता, क्लियर हो गया सबको? जब भी हम इनवॉइस देते हैं, सॉरी, जो भी हम सप्लाई करते हैं अनरजिस्टर्ड को, अगर वो 200 रुपीज या ज्यादा की सप्लाई है तो वी हैव टू गिव द टैक्स इनवॉइस.
बट अगर वो लेस देन 200 है, मतलब 199 या उससे कम, तो उस केस में हमें टैक्स इनवॉइस देने की जरूरत नहीं होगी। सबको क्लियर है ये वाली बातें? चलिए इसको पढ़ते हैं। लिखा हुआ है केसेस वेयर नो टैक्स इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड। कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर आपको टैक्स इनवॉइस इशू करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? कौन कौन से केसेस हैं? अ रजिस्टर्ड पर्सन मे नॉट इशू, अ रजिस्टर्ड पर्सन मे नॉट इशू टैक्स इनवॉइस। कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां पर हमें टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है, इफ द वैल्यू ऑफ गुड्स, जो आपने गुड्स दिए हैं या सर्विसेज दी है, यानी कि इट इज फॉर बोथ, गुड्स दिए हैं या सर्विसेज दी हैं, और उनकी वैल्यू इज लेस देन रुपीज 200, इज लेस देन रुपीज 200, 200 से ज्यादा की वैल्यू नहीं है, ठीक है? अप टू 200 नहीं बेटा, लेस देन 200, ठीक है? 200 से कम। द रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड, रेसिपिएंट कैसा है? अनरजिस्टर्ड है सर, recipient is unregistered and he is not demanding bill, and he is not demanding bill, ठीक है? तो इस केस में आप उसको बिल ना दें, ठीक है? सर सर्विसेज क्या हो सकती है? बेटा सर्विसेज हो सकती है सर, सर्विसेज 200 रुपए से कम, बेटा होता है ना, जैसे कि हम लोग बॉयज जाते हैं हेयर कट कराने के लिए, तो मैं अगर अपना हेयर कट कराने के लिए जाता हूँ तो ही चार्जेस 100 या 120 रुपीज ही यू शू चार्ज। तो ऑल दो उसकी दुकान काफ़ी चलती है, हमेशा वेटिंग में रहते हैं, ठीक है? तो काफ़ी चलती है, और उसका मैंने GSTIN नंबर भी लिखा हुआ देखा है उसके सैलून में। बट ही इज चार्जिंग मी 100-120 रुपीज़, तो वट ही इज़ गिविंग मी, ही इज़ गिविंग मी सर्विसेज, ठीक है? तो आप लोग भी जाते हैं, ठीक है, अपने हेयर कट कराने के लिए, तो ही चार्ज 100, 80, 120, तो क्या वो आपको बिल देते हैं या आप बिल कभी डिमांड करते हैं? नहीं सर, हम नहीं डिमांड करते। दैट पर्सन इज रजिस्टर्ड, सो ही इज गिविंग यू सर्विसेज ऑफ नॉट मोर देन 200 रुपीज या ऑफ लेस देन 200 रुपीज। यू आर एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, आपको कोई ITC/YTC बुक नहीं करना है उस केस में, तो आपको बिल की कोई जरूरत नहीं है उस केस में। एंड ऑफ द डे, ठीक है, दैट पर्सन हैज टू इशू अ कंसोलिडेटेड इनवॉइस। तो वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है इंस्टेड ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन शैल इशू, क्योंकि वो इन सबको कोई इन्वॉइस देगा ही नहीं, छोटे छोटे अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट है, उस केस में हम शैल इशू अ कंसोलिडेटेड टैक्स इन्वॉइस। रिवाइज नहीं बेटा, कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेट रिवाइज टैक्स इन्वॉइस इज समथिंग एल्स, दिस इज कंसोलिडेटेड टैक्स इन्वॉइस जो आप डेली इशू करते हो। इशू करने का मतलब किसी को देते नहीं हो, अपने पास रखते हो। तो लिखा हुआ है फॉर सच सप्लाईज एट द क्लोज ऑफ, साफ साफ लिखा है एट द क्लोज ऑफ ईच डे, ठीक है? एट द क्लोज ऑफ ईच डे इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल सच सप्लाईज, जितने भी ऐसी सप्लाई की हैं जहां पर आपने बिल इशू नहीं करा था, उन सब के बदले सिर्फ एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू कर दीजिए एट द क्लोज ऑफ ईच डे, हर दिन, हर दिन। तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, यू हैव अ क्लाइंट, उसकी एक शॉप है या शोरूम है या स्टेशनरी शॉप है, और छोटा सा क्लाइंट है आपका, और वो आपके पास आता है, वो कहता है कि सर क्या मैं सबको इनवॉइस इशू करूं? तो आप उनको बोल दीजिएगा कि नहीं सर, अब हमें पता चल गया है कि 200 रुपये से कम वाले जो आपके कस्टमर्स हैं अनरजिस्टर्ड, उनको कोई बिल विल मत देना, शाम को या रात को जब भी आप अपनी शॉप बंद करोगे तब एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस रोज बना के रख लेना, ठीक है? उन सबका टोटल करके, क्लियर हो गया? टैक्स नहीं जमा कराना, क्या आपको कराना है, ठीक है? उनका टोटल एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस बनाकर रख लीजिएगा, ठीक है? तो क्या लिखा हुआ है, नीचे बातें लिखी हुई हैं, द स्मॉल टैक्स पेयर लाइक स्मॉल रिटेलर्स, जनरली स्टेशनरी शॉप, छोटी छोटी शॉप्स, जो छोटी शॉप्स होती हैं जनरली रिटेल में डील करते हैं, डूइंग अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ट्रांजेक्शन, बहुत भीड़ रहती है ना, छोटी छोटी ट्रांजेक्शन हैं बट वॉल्यूमनस, ठीक है? तो हम स्टेशनरी शॉप में जाते हैं छोटी सी ट्रांजेक्शन करने के लिए, पेन पेंसिल वगैरह लेने के लिए, बट काफी ज्यादा ट्रांजेक्शन उनकी होती हैं, इसलिए वो रजिस्टर्ड तो हैं वो लोग। फॉर अप टू अ वैल्यू ऑफ रुपीज 200 पर ट्रांजेक्शन टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर नीड नॉट इशू इनवॉइस फॉर एवरी सच ट्रांजेक्शन, हम सच ट्रांजेक्शन के लिए इनवॉइस इशू नहीं करेंगे लेस देन 200 रुपीज के लिए। दे कैन इशू वन कंसोलिडेटेड इनवॉइस एट द एंड ऑफ ईच डे, ठीक है? क्लियर है? आगे लिखा हुआ है हाउएवर, हाउएवर दे शुड ऑल्सो इशू एन इनवॉइस
when the customer demands, अगर वो customer demand कर रहा है तो फिर invoice देना पड़ेगा. अगर customer demand नहीं कर रहा है फिर कोई problem नहीं है, but if the customer is requesting कि भैया मुझे invoice चाहिए तो आपको invoice देना पड़ेगा. Similar provision से bill of supply के लिए, फिर मैं वही कहूँगा, bill of supply के बारे में थोड़ी देर में बातें करेंगे, वहाँ पर भी यही वाली बातें लिखी हैं. ठीक है, जल्दी से एक illustration देख लेते हैं. ओके, विनय ट्रेडिंग इज अ ट्रेडर डीलिंग इन स्टेशनरी आइटम्स. इट इज रजिस्टर्ड अंडर GST एंड हैज अंडरटेकन द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग द डे. ठीक है, इन्होंने क्या क्या किया है, दत्ता सन को एक सप्लाई कर, रेसिपियंट ऑफ सप्लाई कौन कौन है जरा देख लेते हैं. दत्ता सन रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड है तो फिर इनकी तो वैल्यू देखनी नहीं, यहां पर तो इन्वॉइस देने ही देना पड़ेगा, तो यहां पर इन्वॉइस देना पड़ेगा. इन्होंने दूसरी सप्लाई करी है कल्पेश स्टेशनर्स को, जो कि एक अनरजिस्टर्ड है. अनरजिस्टर्ड है तो क्या इनको इन्वॉइस देना पड़ेगा? सर अगर 200 से कम का है फिर जरूरत नहीं है, 200 से ज्यादा का है तो फिर तो जरूरत है. तो यहां पर तो इनका, सॉरी, 200 से ये ज्यादा का है तो यहां पर भी इन्वॉइस देना पड़ेगा. नेक्स्ट है हुसैन, पेंटर है, हमने कुछ पेंटिंग का सामान हमसे खरीदा होगा, इन्होंने कितने का खरीदा, 675 का, अनरजिस्टर्ड है, यहां पर भी हमें इन्वॉइस इशू करना पड़ेगा. ठीक है, 200 से ज्यादा का ही आ रहा है. शांति चैरिटेबल ट्रस्ट अनरजिस्टर्ड एंटिटी है, 195 का, 195 है, अनरजिस्टर्ड है. ठीक है, लेस देन 200 है, सर यहां पर जरूरत नहीं है इनवॉइस इशू करने की, एंड ऑफ द डे कंसोलिडेटेड करेंगे. मनीषा एक स्टूडेंट है, अनरजिस्टर्ड 140, यहां पर भी जरूरत नहीं है, लेस देन 200 है. जो मैंने रेड में मार्क करे हैं बेटा जी, जो मैंने रेड में मार्क करे हैं इन दोनों को, या जितनी भी सेल करी हैं जो रेड में मार्क्ड हैं 200 रुपये से कम की, अनरजिस्टर्ड हैं, इनको कोई इनवॉइस देने की ज़रूरत नहीं है. अगर ये मांगे तो दे दीजिएगा, अदरवाइज देने की ज़रूरत नहीं है. कंसोलिडेट इनवॉइसेस एंड ऑफ द डे बना के रखिएगा, बट जो ऊपर मैंने येलो में मार्क करे हैं उन सबको अलग अलग इनवॉइस देने ही पड़ेंगे. ऑल्दो वो अनरजिस्टर्ड थे बट 200 से ज़्यादा की सप्लाई थी, बट अगर इसमें से शांति चैरिटेबल ट्रस्ट और मनीषा अगर अलग से इनवॉइस मांगे तो दे दीजिएगा, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है. सॉल्यूशन को आप लोग पढ़ेंगे. ठीक है, क्लियर है इतनी बातें भी.